सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको बहुत दिनों के बाद फिर एक उस सीरीज में लीवा जा रहा हूं जिसमें मैंने अल्लाह एक बनाम ईश्वर अनंत नाम से टॉपिक से कई वीडियो बनाए थे, जिसमें कुरान के ऊपर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए थे। तो 18 वीडियो बनाए जा चुके हैं पहले। आज जो है 19वां वीडियो बना रहा हूं, एक इस्लामिक स्कॉलर से जो प्रश्न किया गया था इस्लाम से संबंधित, और उन्होंने जो उत्तर दिया था उस उत्तर के ऊपर ही मैंने यहाँ कमेंट किया है पहले के 18 वीडियो में, और आज भी मैं आपको वहां पर ले चलूंगा। तो जो प्रश्न थे उनमें से आज जो हम 19वां प्रश्न उठाने जा रहे हैं वह है कि इस्लाम है इस्लामिक वर्ल्ड हैज 30 डिफरेंट कुरान्स, व्हिच वन इज ट्रू एंड व्हाई। यानी जो मुस्लिम जगत है, इस्लामिक जगत में 30 कुरान, 30 क्या 31 कुरान है, बल्कि 30 से अधिक 31 कुरान है, लेकिन फिर भी 30 कुरान लोकप्रिय हैं। तो उसमें से कौन सही है, कौन सत्य है और क्यों, यह जो है हमारी जिज्ञासा थी मुस्लिम विद्वान से, और उन्होंने इस विषय में जो उत्तर दिया वह मैं आपको सुना रहा हूं कि वे क्या उत्तर दे रहे हैं, तो आप भी सुन लीजिए। तो ये तो सीधा इनकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है और इतने कुरान है ही नहीं, कुरान तो सिर्फ एक ही है और उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, यही मुस्लिम सब मानते हैं, परंतु यह बात सच्चाई से बिल्कुल हट करके है। उस्मान के समय जो कुरान लिखा गया था वह 652 एडी में लिखा गया था। उसके बाद से बहुत सारे कुरान लिखे गए और बहुत सारे स्थानों पर लिखे गए अलग अलग, और उन स्थानों पर लिखे गए कुरान एक दूसरे से भिन्न हैं। आज का जो आधुनिक कुरान है उसमें 114 सूरा है, और इन सभी कुरानों में 114 सूरा नहीं है, उतनी आयतें भी नहीं हैं, और आयतें भी जो हैं वो थोड़ी बहुत हल्के फुल्के, उसमें कुछ शब्द भी अलग हैं। मिस्र का कुरान तो बाकियों के कुरान से बिल्कुल अलग है। कुल लोकप्रिय कुरान में 31 कुरान लोकप्रिय हैं।
जो alquran.com है, अगर सिर्फ उसी की बात करें तो alquran.com स्वयं ही स्वीकार करता है कि 23 कुरान बहुत लोकप्रिय है। आज जो आधुनिक कुरान जो है ये हफ्स कुरान है, और इस हफ्स कुरान में भी 7 अलग अलग वैरायटी के कुरान है। ये कुरानों के बनने का जो क्रम है ये चलता आ रहा है तब से, उस्मान के समय से ही। और 719 एडी तक जितने भी कुरान थे उनमें से आज के जो कुरान है उसे उसका सिर्फ 96% तक ही हिस्सा में पाया जाता है, यानी वे सब सब इनकम्प्लीट कुरान थे एक तरह से आज के बनिस्पत। और ये कुरान जो है 719 के बाद जो लिखे गए, लगातार लिखे गए, 1924 में हफ्स कुरान आया, आज का जो लोकप्रिय कुरान है 1924 में आया। और पूर्ण कुरान जो बना है ये 1985 का है, ये हाल फिलहाल का समझ सकते हैं, 1985 का मात्र। नौ कुरान है जिनका डेट जो है 719 एडी के पहले का आता है, और ऐसे से 34 कुरान तो ऐसे मिले हैं जिसके बारे में इस्लामिक विद्वान भी कंफ्यूज्ड हैं, और उनके डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके कंटेंट्स के विषय में कुछ भी ठोस नहीं कह सकता है, तो उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। तो ऐसे ऐसे 34 कुरान तो अलग से है, वे शुद्ध अटकलबाजियों पर निर्भर है। ब्रिटिश कैम्ब्रिज लाइब्रेरी में अलग अलग कुरानों के 63 टुकड़े पड़े हुए हैं। ब्रिटिश कैम्ब्रिज लाइब्रेरी जो कि मान्यता प्राप्त लाइब्रेरी है पूरे वर्ल्ड का, वहां इन्हें जाकर देखा जा सकता है कि सारे टुकड़े टुकड़े हैं और आधे अधूरे टाइप के हैं और विभिन्न कुरानों के हैं, सबकी पांडुलिपि है वहां। तो कुरान तो बिल्कुल अलग अलग, जैसे इबन आमिर ने 736 ईडी के समय, इबन कथीर ने 733 एडी में, हासिम इबन अबी 745 एडी, नफी 785 एडी और अबू इबन मुजाहिद 936 एडी, इन सब ने ए भिन्न भिन्न समय पर स्थानों पर कुरान का कंपाइलेशन करवाया है। अब ये जो है ये सब जो अभी जो शोध करने वाले इतिहासकार सब हैं कुरानों के ऊपर और इस्लामिक स्कॉलर सब हैं, उनकी बात ही मैं बता रहा हूं। आप सीरा इंटरनेशनल यूट्यूब में इसके वीडियो पड़े हुए हैं, आप सीरा इंटरनेशनल देखें, इसमें डैन गिब्सन और डैन ब्रूबेकर, तो ये जो दोनों डैन और डैम है, इन दोनों ने ही काफी शोध किया, हिस्टोरियन है। तो डैन गिब्सन और डैम ब्रूबेकर, इन लोगों ने कुरान पर बहुत ही ज्यादा शोध किया है, और इनके सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आपको सिर्फ सीरा इंटरनेशनल, CIRA, सीरा इंटरनेशनल, यह आपको करना है। आप उसमें जा करके सारा देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं, खुद आप अध्ययन भी कर सकते हैं। सभी कुरानों का सिर्फ नाम ही नहीं, उस किताब का उसमें सब कुछ दिखलाया गया है, उसमें पेज भी दिखाए गए हैं, कवर पेज दिखाए गए हैं, हर चीज दिखाया गया है, कौन पब्लिशर्स है, उन सब का भी उसमें पूरा वर्णन है। यहाँ तो मैं उसको करने में असमर्थ हूँ, लेकिन आप वहां जा करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, या तो इन्हें पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पता नहीं है, जो इस्लामिक स्कॉलर ही हो उसको पता नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ ये बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को सही बात नहीं बताते हैं।
जहां जिस प्रश्न भी में भी फंसते हैं तो ये झूठ का सहारा लेते हैं। इस्लाम बहुत ही ज्यादा झूठ का सहारा लेता है, परंतु आज की दुनिया में झूठ को प्रोपगेट करना इतना आसान भी नहीं है। आप प्रोपगेट तो कर तो लेंगे, लेकिन उसका काउंटर प्रोपगेशन भी है, और बहुत सारे मटेरियल्स पड़े हुए हैं, आ रहे हैं, शोध हो रहे हैं, और उनके भी वर्जन्स हैं, तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, पकड़ ही लिए जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो कुरानों की बहुत सारी जो है प्रकाशनें हैं, बहुत सारे वैरायटी हैं, और उनमें सिर्फ कमेंट्री का अंतर ही नहीं है, बल्कि उसमें सूरा की संख्या का भी अंतर है, आयतों की संख्या का भी अंतर है, और आयतों में जो शब्द दिए गए हैं उसका भी अंतर है, उनके मीनिंग का भी अंतर है। ये इस्लामिक स्कॉलर बता रहे हैं, और उन्हीं की बात को ही मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ उस विषय का, परंतु जो इस्लामिक स्कॉलर सब और जो हिस्टोरियन सब, इतिहासकार सब जो बात रख रहे हैं, उनसे ही समझ करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। आप यदि ज़्यादा रुचि रखते हैं स्वयं ही जाके देख सकते हैं, परंतु इतना तो तथ्य है कि सारे जो लाइब्रेरीज हैं, विश्व की बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरियाँ हैं, पुस्तकालय हैं, उसमें सभी में ये सब पड़े हुए हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो लाइब्रेरी है उसमें भिन्न भिन्न कुरान सब मिलते हैं, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज इतना ही इसमें। ओम।